हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अप्पू भाई, अरे वो 3 दिन की कुर्बानी कोई सही हदीस है क्या? सही शरीफ, हाँ भाई, 3 दिन कुर्बानी की कोई सही शरीफ हदीस है क्या मौजूद? आप कौन बोल रहे हैं? अनीस बोल रहा हूँ, मालेगांव से। हाँ, अनीस। आपसे बात हो चुकी है पहले। भाई कुर्बानी 4 दिन की। हाँ, वो तो भाई की भाई को हवाला दिया। मैं तो बोलता सही सही गैर मारी हदीस पेश कर। तो मौला 3 दिन की तू पेश कर चल। तो मौला है क्या भाई 3 दिन ऐसा सही सही? अच्छा, शरई गैर मारिस, पहले उससे पूछ लो ये होता क्या व्हाट्सएप पे बात चल रही थी मेरी उसकी, तो वो है कि पेश के बोला सही सही गैर मारी पेश कर। है। ये मैंने आजकल बोलने वाले उसको हर हर मुकल्लिद का तकिया कलाम हो गया है कि कोई भी मसला होता है बस, हाँ मुझे खाली ये सही शरई गैर मारिस मुतावातिर फला ढमा ये हदीस पेश कर दो। उनको मालूम नहीं होता ये होती क्या है भाई, हदीस के उसूल क्या हैं और कौन सी हदीस पे अमल होगा कौन सी हदीस पे अमल नहीं होगा, बस बोल दे भाई। देखिए मुस्नदे अहमद की हदीस है, ठीक है, कि तमाम अय्यामे तशरी वो मतलब कुर्बानी के दिन है, ज़िबह के दिन है। ग्यारह अब अय्यामे तशरी भाई क्या होते हैं? 10, 11, 12। बारह भाई तेरह हाँ 10, 11, 12, ठीक, हाँ और 13। 11, 12 और 13 यह में तशरीक बराबर है। मतलब जो 10 तारीख है वो तो चलो ईद उल हाँ, अज़हा है, वो ठीक है, 10 दिलहिज्जा बराबर है। उसके बाद जो 11 दिलहिज्जा है, 12 दिलहिज्जा है, 13 दिलहिज्जा की असर तक, यानी कि असर की नमाज से पहले पहले तक, अगर किसी भाई के पास पैसों की कोई मतलब दिक्कत हो गई हो, पहले दिन उसका इंतजाम ना हो पाया हो तो दूसरे दिन कर ले, दूसरे दिन भी इंतजाम ना हो अगर हो पाया हो तो तीसरे दिन कर ले, और तीसरे दिन भी उसका इंतजाम ना हो पाया हो और चौथे दिन असर से पहले उसके पास पैसों का इंतजाम हो गया हो, तो वो अपना जानवर ला के अल्लाह सुबहान तआला की राह में भाई वो कुर्बान कर सकता है। कुछ लोग जैसे ज्यादा जानवर लाते हैं, जैसे उनके घर में 4 जानवर 3 जानवर है, तो कोई पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन 3 दिन करते हैं, तो अगर इसी को और जानवर बढ़ा ले किसी ने तो चौथे दिन भी कर सकते हैं ना। तो पहले दिन भी भाई किए चौथे पहले दिन भी दिन किए। करना हाँ अफजल है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं कि पहले दिन ही अपने मतलब सारे जानवर को ज़बह कर देते हैं। बहुत से हाँ लोग हैं भाई मतलब दो आज कर लिए, एक कल कर लेंगे, एक परसों कर लेंगे, तो बहुत सारे लोग 3ों दिन करवाते हैं। और हाँ जो मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं अहले हदीस तो भैया 4 दिन कुर्बानी के कायल हैं तो वो तो चौथे दिन करवाते होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे नज़दीक भी भाई पहले दिन यानी कि भाई वो ईद उल अज़हा के दिन 10 जिलहिज्जा वाले दिन हमारे वहाँ नमाज पढ़ने के बाद ईद उल अज़हा की हम लोग के वहाँ भाई कुर्बानी करवाना अफजल है। अगर बराबर पहले दिन मान लो कोई आदमी ना मिला काटने वाला, ज़बह करने वाला, या कहीं फंस गए या किसी मतलब प्रॉब्लम में आ गया या जानवर नहीं आ पाया या कोई मुसीबत परेशानी आ गई तो दूसरे दिन करवा लेते हैं, दूसरे दिन ऐसा कुछ हो गया तो तीसरे दिन करवा लेते हैं, तीसरे दिन अगर कुछ ऐसा हो गया तो चौथे दिन असर से पहले पहले अगर कोई चाहे तो कुर्बानी करा सकता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है, लेकिन बहुत ही खास करीब भी करके साबित है जानवर को ना। खड़ा करके और चौथे दिन असर से पहले छुरी फेरना, मैंने ऐसा ना तो कोई पहले हदीस देखा और ना ही तक कयामत तक आप लोग कोई देख पाओगे। कोई की मुसीबत अलग चीज है, लेकिन कोई शौक में भाई वो चौथे दिन नहीं करेगा। तो उसका जो सवाल है मुझसे कि भाई चौथे दिन की सही सही गैर मारी हदीस, तो मैं ये सवाल उसके मुंह पे मार दूंगा कि भाई तू बतला तीसरे दिन की सही सही गैर मारी हदीस कहाँ है? कि 3 ही दिन है कुर्बानी के, ऐसी हदीस मैं उसको बोल दूंगा, तू बतला चल। है ये सब इंजीनियर अली मिर्जा के सब अंधे मुकल्लिद हैं, जो वो बोल देता है वही ये लोग सुन लेते हैं, ठीक है।
उनसे कहिए मुसनद अहमद को एक बार खोल के देख लें, उसी में भाई ये हदीस है कि तमाम अयाम तशरी ज़बा के दिन हैं, और अयाम तशरी क्या होते हैं, अयाम मालूमात क्या होता है, ये पूरी मतलब एक डिटेल है, वो अगर भाई तफसील में जाएंगे तो देखेंगे। और इस भाई मुसनद अहमद की हदीस के ऊपर बाज लोगों ने कलाम किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई लोगों के कलाम करने के बावजूद भी ये हदीस बिल्कुल सही हदीस है। तो इसको मुसनद अहमद की भी रिवायत दिया था मैं, मेरे पास थी, तो बोले यार तुम तकलीफ कैसे करने लगे, तुम सही हदीस पेश करो। फिर मैं बोले हमारा मसला भी सलफ मसला है। अरे सही हदीस है ना, और हम तकलीफ तो ना कर रहे हैं। इनका कॉल मत पेश करो, हदीस पेश करो। तो मैं बोला अशरफ अली थानवी मेरे भाई साफ साफ कहते हैं कि भाई कुरान और सुन्नत की बात को मानना तकलीफ नहीं है, तो हम तो हदीस की बात मान रहे हैं ना, तो हदीस की बात मानना भी तकलीद हो गया, मानते ही नहीं हो ये बात। तो ये बताइए ना आपको भाई कि कौन सी दलील दे सकते हैं वो तीन ही दिन कुर्बानी की, कोई आपको तीन दिन की क्यों दे रहे हैं, जब चार दिन मेरे भाई साबित है तो चार दिन की भाई आप दीजिए ना, जब चार दिन की देंगे तो ऑटोमेटिक उसमें तीन दिन आ जाएंगे। मैं उससे मांगने वाला है, वो बोलता सही सही गैर मारिस, मैं तो मैं उसको मांगने वाला है कि तू बतला सही सही गैर मारिस तीन ही दिन साबित है, ऐसे मेरे को उसको बतला, ऐसा मैं पूछने वाले है, तो क्या जवाब देगा वो भाई? ये तो वही देगा ना, अगर उसके पास कोई हदीस होगी तो भाई वो दे देगा। ऐसी हदीस कुछ है क्या कि तीन ही दिन कुर्बानी के है? भाई देखिए, ये तो मेरे अब तक की तहकीक में हमने कोई भी ऐसी हदीस भाई नहीं पढ़ी है कि कुर्बानी सिर्फ तीन दिन है, ओनली थ्री डेज, ऐसी कोई हदीस नहीं पढ़ी है। तो ये सवाल मैं उससे कर देता जब तीन दिन वाला अल्फाज मेरे भाई के उसको मैं चार दिन से मैं बहुत सारे हवाले दिए उनको, लेकिन वो सही सही गैर मारी जर तुम बोले उलमा का कॉल कैसे पकड़ रहे हो। अरे ये सब उनका तकिया कलाम है मेरे भाई, सही शरई गैर मारी मुतवातिर, तकिया कलाम उनके मुंह पे मारते ना, तो उनको ही अब बोलते कि अब तू सही सही गैर मारी हदीस पेश कर के कुर्बानी के तीन ही दिन है, ऐसा सही सही गैर मारी पेश कर, अब देखते फिर क्या पेश करता है वो भाई। सहाबा के वाकयात और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बातें किताबों में आई हुई हैं कि जो कुर्बानी का मतलब गोश्त होता था उसको पहाड़ों के ऊपर धूप में सूखने के लिए डाल दिया जाता था, ठीक। तो ये सब बहुत सारी बातें इसमें देखनी पड़ेंगी। ये आदमी खाली हमारा दीन कोई ऐसा नहीं है कि बस अपनी अपनी शर्तों पे हम लोगों से दलील मांगे कि हमें सही शरई गैर मारीज मुतावातिर और फला ढमा ऐसी हदीस दो, या खाली हमको बुखारी से ही दो, या खाली हमको मुस्लिम से ही दो, या खाली हमको कुरान से ही साबित करो, नहीं नहीं खाली हम सूरह तौबा की ही दलील मानेंगे, नहीं नहीं हम खाली सूरह आले इमरान की ही मतलब दलील मांगेंगे, तो किसी के उसूल के हिसाब से दलील भाई नहीं बनती है। जो दलील है वो दलील देंगे, अब जो दलील नहीं है उसको भाई हम अपने आप से बना थोड़ी ना लेंगे, हम कोई हनफी मुकल्लिद थोड़ी ना हो जो हमारे पास भाई कुरान हदीस छापने की फैक्ट्री है कि मन माना अपना मसलक बचाने के लिए कुछ भी छाप देंगे, कोई भी हदीस इल्जाम के ऊपर कोई भी इल्जाम हदीस के ऊपर लगा देंगे। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कुरान की तफसीर में लिखे है सूरह नंबर 2 सूरह बकरा में के कुर्बानी के चार ही दिन है, तो कुरान की तफसीर को भी नहीं मानेंगे, तो मैं इनको कुरान की तफसीर देना नहीं चाहता। हाँ सूर्य भाई जो सूर्य बकरा की आयत की जो तफसीर की है इमाम इब्ने कसीर रहमुल्ला ने अपनी तफसीर इब्ने कसीर में, वो बिल्कुल सही तफसीर है, और इसके ऊपर तो अहले इल्म का इजमा है कि जो तफसीर की जो सबसे बेहतरीन किताब है वो तफसीर इब्ने कसीर की है, ठीक। तो जो तफसीर इब्ने कसीर की जो पहली जो तफसीर होती है वो इब्ने कसीर रहमुल्ला की होती है, और बाद की जो उसकी तफसीर है जो उसमें मतलब भाई वो लिखी रहती हैं, वो अलग अलग लोगों की जो तफसीरें होती हैं उसको भी उसमें नकल किया गया है, तो उन्होंने खुद अपनी जो तफसीर की है उससे भी उन्होंने कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के चार दिन ही शुमार किए हैं। लेकिन अब वो भाई डायरेक्ट कह देंगे इब्ने कसीर तो अहले हदीस था,
इब्ने कसीर तो गैर मुकल्लिद था, हम उसकी क्यों माने, तो इसलिए डायरेक्ट उससे कह दीजिए भाई मुसनद अहमद की हदीस है तमाम अयाम तशरीक के दिन ज़बह के दिन हैं। अब अगर वो जाहिल भाई नहीं होगा तो उसको मालूम होगा कि जो अयाम तशरीक होते हैं वो होते हैं 11, 12, 13 दिलहिज्जा, ठीक, तो ये हो गए तीन दिन। अब तीन दिन तो ये हो गए और एक दिन हो गया 10 दिन, यानी कि तीन प्लस एक टोटल हो गए 4, यानी कि कुर्बानी टोटल 4 दिन है। अब इसके ऊपर बहस बहुत लंबी की जाती है कि 3 दिन कुर्बानी है या 4 दिन कुर्बानी है। दोनों पार्टियां मानती हैं कि पहले दिन कराना अफजल है, बराबर है। तो जो दोनों पार्टियां मान रही हैं पहले, अल्लाह ताला कुरान में भाई ओपन कहता है कि आओ आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में एक सी है। तो आप भी मानते हो कि भाई पहले दिन अफजल है कराना, और हम भी मानते हैं पहले दिन अफजल है कराना, तो पहले दिन कराओ ना। चार दिन कुर्बानी का जो मसला है चौथे दिन असर से पहले तक, तो वो कोई एक भी अहले हदीस हमको ऐसा दिखा दे जो कुर्बानी का जानवर महीनों पहले से भाई वो खरीद के लाया हो और ना पहले दिन कराए ना दूसरे दिन कराए ना तीसरे दिन करवाए और चौथे दिन भाई वो असर से पहले पहले अपने जानवर को काटे जानबूझ के। ऐसा तो कोई अहले हदीस मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नहीं ऐसे तो नहीं है मेरे, ये एक मजबूरी के तहत है कि आदमी के पास पैसा ना हो, कौड़ी ना हो, कहीं से इंतजाम उसका ना बन पाया हो, और अगर उसके चौथे दिन असर की नमाज से पहले उसके पास पैसों का इंतजाम हो गया, जानवर का इंतजाम हो गया, तो वो कुर्बानी ऐसे अजीम अमल को छोड़ने से बेहतर है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को छोड़ने से अच्छा है कि भाई वो अपने जानवर को ज़िबह कर दे, क्योंकि साबित है हदीस से। और अगर कोई जान बुझ के भी अपना जानवर खड़ा करके अगर वो चौथे दिन भी अगर ज़िबह करता है तो भी उसके ऊपर हम कोई फतवा नहीं ठोकेंगे, नहीं बराबर, क्योंकि हदीस से साबित है, बराबर है। तो ये सब अपने मसाले समझना पड़ेगा। हनफियों के पास खाली एक ही काम है, मतलब ये पेश कर दो वो पेश कर दो। आज से भाई 1.5 साल पहले एक हनफी मुकल्लिद ने हमसे कहा था कि सीने पे हाथ बांधने की सही शरई और वो गैर मारिज और मुतावातिर और ये और वो हदीस पेश कर दो तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 5 लाख इनाम, 10 लाख इनाम। तो मैंने सिर्फ सिंपल से उससे बात पूछी थी, मैंने कहा था कि भाई अगर सीने पे हाथ बांधना गलत है तो आपकी अम्मा बहन बीवी बेटियां सीने पे हाथ क्यों बांधती हैं? आप उनकी दलील दे दो तो वही दलील हमारी रहेगी। बराबर। तो आपको भाई वो नदीम भाई का नंबर लग नहीं रहा है इधर से, क्या मसला है? कोई दूसरा नंबर है कौन सा मालूम नहीं, नदीम बरानपुरी, आई डोंट नो मेरे दोस्त। नदीम भाई बुरहानपुर का नंबर नहीं लग रहा है, क्या बात है? कोई नंबर उनका चाहिए क्या भाई? नदीम खान बुरहानपुरी भाई का नंबर तो जो व्हाट्सएप वाला है वही मेरे पास है, एक बार बोल दो ना वो नंबर, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। भाई वो नंबर तो जिससे उनकी ऑडियो आती है वही नंबर है, कोई अलग नंबर नहीं। मेरे पास बहुत पहले हमारे यहाँ पर ही अपने उनसे लिया था मैं और वो उनका नंबर भी सेव किया था मैं, तो वो नंबर पे लगाता हूँ कभी कभी कोई मसला पूछने के लिए तो उनको लगता ही नहीं, उनकी एक से ऑडियो वीडियो आ रही है, जरा उनसे बात भी करनी चाहिए चालू से, क्योंकि इधर इकबाल मिल्ली के 15 लोग हैं ना ये सब जो मैं बात करते ये। भाई इकबाल मिल्ली का अगर नंबर हो तो दे दीजिएगा। इकबाल मिल्ली का नंबर तो शायद मिल जाएंगे, ये बहुत करीबी 15 लोग हैं जो मेरे को व्हाट्सएप में उलझा के रखे ना, ये दलील लाओ ये दलील, तो मैं सोचा जो भाई जितना टाइम व्हाट्सएप और फेसबुक और फला डमा में भाई इस्तेमाल कर रहे हो वक्त का हिसाब अल्लाह ताला को देना पड़ेगा मेरे भाई। हाँ बराबर है भाई, सही कह रहे हैं। हम भी आज से 1.5 साल पहले हमारा 24 घंटे में करीब 18 घंटे मेरे खाली व्हाट्सएप में ही जाते थे, मतलब सबको जवाब देने का ठेका हमने ले रखा था कि कोई भी पोस्ट भेजेगा तो उसको सबसे पहले जवाब हम देंगे। तो ये सब मेरे भाई सिर्फ टाइम वेस्ट है, सिर्फ धंधा पानी चौपट होना है, आपका घर बर्बाद होना है। और अगर कोई इंसान बिना व्हाट्सएप और फेसबुक के अगर वो एक हफ्ता ना जी सके तो समझ जाओ कि भाई वो बीमार है, आप समझ रहे हो। तो व्हाट्सएप एक अच्छी चीज है
अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने अगर कोई ऐसी चीज़ दी है तो उससे हमें अपने दीन की बात को लोगों तक पहुंचाना है। ये एक तरीके का मीडिया है, सोशल मीडिया। तो इस पे जो दीन की, हमारे अल्लाह और अल्लाह के नबी की जो सही तालीमात है उसको आम कीजिए, उसको शेयर कीजिए, अपनी पोस्ट के जरिए, अपने ऑडियो के जरिए, अपनी वीडियो के जरिए। अगर कोई चीज मतलब गलत होते हुए देख रहे हैं तो उसको अपने हाथों से रोकिए, हाथ से ना रोक सके तो अपनी जबान से रोकिए, जबान से ना रोक सके तो कम अज कम उसको दिल में बुरा जानिए। तो अल्लाह ने भाई अगर आपको इतनी ताकत दी है तो आप मेरे भाई अपने अपने हाथों से आप भाई वो टाइपिंग करके उसको रोकिए। अगर अल्लाह ने आपको जबान से बोलने की अगर आपको ताकत दी है तो आप जबान से लोगों से बात कीजिए, ऑडियोज अपनी डालिए, अपना बयान डालिए, तो ताकि लोगों तक इल्म पहुंचे। व्हाट्सएप इसलिए नहीं अल्लाह ने हम लोग को दे दिया है कि हम लोग अपनी जिंदगी वक्त खाली उसमें एकदम डुबा दें। उम्मत आज हमारी परेशान है, नमाज में हम लोग मस्जिद भाई नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक पे बराबर दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह बर्मा में ये ना हो, आमीन, ऐ अल्लाह मुसलमानों को ये ना हो, आमीन, ऐ अल्लाह फला भाई बहनों के साथ ना हो, आमीन। मतलब जितना आमीन है, जितनी दुआएं हैं, खाली व्हाट्सएप और फेसबुक तक ही सीमित रह गई है। अरे भाई मस्जिद भी जाओ, खुद भी इबादत करो, खुद भी नमाज पढ़ो। तो इसलिए व्हाट्सएप को फितना ना बनने दीजिए, फेसबुक को फितना ना बनने दीजिए, एक लड़ाई का अड्डा ना बनने दीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो ये मसलक परस्ती की जो ये जंग चल रही है, ये मतलब ये भाई जो गैर मुस्लिम है उन तक भी पहुंच रही है। बराबर है भाई, गैर मुस्लिम भी ऐसा तो नहीं फेसबुक पे अंधा हो जाता है या मतलब व्हाट्सएप पे अंधा हो जाता है, उसको भी मालूम है। नॉन मुस्लिम भी भाई वो सब कुछ देख रहा है, यूट्यूब पे ऑडियो सुन रहा है, वीडियो देख रहा है, व्हाट्सएप के जो हम लोग की आपस की बहस है, मसलक परस्ती है, उसको देख रहा है। फेसबुक पे हम लोग जो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, देवबंदी, बरेलवी, एनएसी, शिया, सुन्नी, जो इसके नाम से हम लोग लड़ मर रहे हैं, तो ये भी मेरे भाई जो नॉन मुस्लिम है वो भी देख के खुश हो रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ये अपने घर का मसला है, इसको कुरान हदीस के सुनहरे उसूल से प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं मान रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला ने दरोगा आपको नहीं बना के रखा है, और ना ही आपको ठेका दे दिया है, ना ही हमको ठेका दे दिया है कि हम लोग दुनिया भर की इसलाह करते हुए मतलब जो मुंह में आ जाए बस बोलते रहे। हाँ, जो रास्ते में आता जाए उसको निपटाते जाइए, लेकिन किसी के पीछे हाथ धो के ना पड़िए। मैं नहीं पढ़ता किसी के पीछे। हाँ, व्हाट्सएप पे तो किसी से बात ही मत कीजिए, मेरी तरह उसूल बना दीजिए। मेरे पास मुझे सवाल आ गया था कि चौथी बीवी सही सही बिल्कुल मेरी तरह उसूल बना लीजिए। मेरे पास भी लोग कम से कम डेली 300-400 लोग पर्सनल में मैसेज करते हैं, ये मतलब ये अली हदीस क्या सही है, ये इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। नहीं, अपने व्हाट्सएप की आईडी पे डाल दिया है स्टेटस में कि ओनली कॉलिंग चैट। अब जिसको बात करनी होगी खुद फोन करेगा। भाई चैटिंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम घंटों टाइप करें और उसको समझाएं। जिसको दीन समझना है भाई फोन करे, हमें जितना मालूम है बता देंगे, मानना ना भाई वो ना मानना वो जाके अपनी तहकीक करे, बात मेरी सही हो तो मान ले, गलत हो तो मेरी इसलाह कर दे, बस सिंपल। क्यों फितना फसाद करने का। चलो ठीक है आपको भाई, अजान हो रही है मगरिब की, फिर मैं भी जा रहा हूँ नमाज पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।